अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफीक है, आस्क काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आज फिर आप लोगों के सामने एक नए सवाल के साथ। सवाल से पहले मैं आपसे ये पॉइंट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ पाकिस्तान की रियल इस्टेट के हवाले से किसी भी इशू पर बात कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम और आपके सवाल के बारे में ओपनली वीडियो ना बनाएं, तो भी आप हमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और हम आपको प्राइवेटली भी आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। जितने लोगों के बारे में और उनके सवालात के बारे में हम वीडियोज़ बनाते हैं, हम उन लोगों से इस बारे में पहले परमिशन ले लेते हैं। आज का सवाल है जाकिर खान साहब का, जो कि KSA सऊदी अरेबिया से हमें सवाल कर रहे हैं और उनका सवाल है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स कब आ रहे हैं। और सेकंडली उन्होंने इसी सवाल के साथ लिंक ये सवाल भी पूछा है कि इनिशियल लॉन्च के साथ कमर्शियल प्लॉट्स क्यों नहीं लॉन्च किए गए। मैं पहले सवाल का जवाब पहले दूंगा और वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स के लिए खुदारा अभी किसी को किसी किस्म का कोई टोकन ना पकड़ाएं, किसी डीलर को इसके लिए कोई पैसे ना दें, क्योंकि अभी किसी डीलर को इसका कोई कोटा नहीं दिया गया। इसके कमर्शियल्स जब लॉन्च होंगे तो ऑब्वियसली आपको बता दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से एडवर्टाइज़ किया जाएगा। अभी कम से कम 5 से 6 हफ्ते तक ऐसा कोई प्लान नहीं है जहां तक मुझे बताया गया है। दूसरा जो आपका सवाल है वो ये है कि क्यों नहीं प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च के अंदर, जो कि आज से 4 महीने पहले की गई थी, या NOC के आने के बाद लॉन्च के ऊपर कमर्शियल्स को क्यों नहीं ऑफर किया गया। बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, जब भी कोई सोसाइटी आती है तो उनकी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए जाएं। उसकी वजह यह है कि अगर वो कमर्शियल्स को पहले लॉन्च कर देंगे तो हर बंदा कमर्शियल्स को ही लेना चाहेगा और कमर्शियल्स के नंबर्स इतने होते हैं कि ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा इन्वेस्टर्स को वहाँ पर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपनी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। पाकिस्तान का दूसरा स्मार्ट सिटी और लाहौर का पहला स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना हिस्सा डाल सकें और प्राउडली कल को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकें। फ्यूचर में कमर्शियल प्लॉट्स आएंगे और वो कमर्शियल प्लॉट्स आप ही के लिए हैं, वो काजी इन्वेस्टमेंट ने या ख़ुद स्मार्ट सिटी ने अपने लिए नहीं रखने, बल्कि वो लोगों को ही देने हैं। तो इसलिए जाकिर साहब, आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अगर फिर भी आपका कोई और कंसर्न है तो इसी तरह से पूछते रहिए काजी इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट्स आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं, आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।